सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गैलियोस मोबिलिटी ने अपना न्यू लेटेस्ट स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है और यह स्कूटर सिर्फ 20 पैसे में 1 किलोमीटर चलता है और इसके लिए किसी लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। एयर पोल्यूशन और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ऑटो निर्माता कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल और बेहतर फ्यूल एफिशिएंट वाहन बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे में IIT दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप गैलियोस मोबिलिटी ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर गैलियोस होप लॉन्च किया है। इसके प्राइस और बुकिंग की बात करें तो बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर वाले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस 46,999 रुपीज़ रखी गई है। दिल्ली NCR में इस स्कूटर की बुकिंग शुरू कर दी गई है। इस स्कूटर को चलाने के लिए काफ़ी कम खर्च आएगा। कंपनी के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर गैलियोस होप चलाने में बेहद किफ़ायती है और इसे चलाने के लिए सिर्फ 20 पैसे पर किलोमीटर खर्च आएगा। बैटरी के चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें तो गैलियोस होप के साथ एक पोर्टेबल चार्जर और एक पोर्टेबल लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है। गैलियोस होप की बैटरी को सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता है और यह स्कूटर घर पर ही चार्ज हो जाएगा। इस बैटरी को घरों में पाए जाने वाले नॉर्मल डोमेस्टिक सॉकेट के ज़रिए चार्ज किया जा सकता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पार्किंग में चार्जर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके ड्राइविंग रेंज की बात करें तो अपने आने जाने की ज़रूरतों के अनुसार कस्टमर्स को अलग अलग बैटरी कैपेसिटी के ऑप्शंस चुनने के लिए मिलते हैं। इन बैटरी से 50 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। लाइसेंस की भी इस स्कूटर के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर/आवर है, इसलिए यह एक लो स्पीड व्हीकल की रेंज में आता है और इस स्कूटर को चलाने के लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस स्कूटर का रजिस्ट्रेशन कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फीचर्स की बात करें तो इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक पैडल असिस्ट दिया गया है। यह स्कूटर की ड्राइविंग रेंज को और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें रिवर्स पार्किंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे स्कूटर को आसानी से पार्क किया जा सकता है। होम इलेक्ट्रिक स्कूटर के दोनों पहियों में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन और ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। इसमें LED लाइटिंग के साथ फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इस स्कूटर की पिछली सीट को हटाकर कैरियर का भी यूज़ किया जा सकता है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यह व्यावसायिक कंपनियों के लास्ट माइल डिलीवरी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये स्कूटर IIT दिल्ली के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है गैलियोस मोबिलिटी। क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सभी कंपनियां अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेगमेंट में एंट्री करती जा रही हैं और काफ़ी नए नए स्टार्टअप भी आ रहे हैं। तो अगर आप इस स्कूटर को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप आसानी से इस स्कूटर को ख़रीद सकते हैं और बुक कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।